हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर में। मैं आपका अभय कुमार। आज हम आपको दिखाएंगे कि खराब स्पीकर या साउंड बॉक्स या कोई भी स्पीकर आपके घर में खराब पड़ा हो तो उसको हम मोबाइल स्पीकर कैसे बनाएंगे, ऑक्स केबल कैसे लगाएंगे जिससे हमारे मोबाइल से हमारा स्पीकर बज सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और लाइक बटन दबा दें। तो ज्यादा ना बात करते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास बॉक्स है, एक स्पीकर बॉक्स। तो हम यही स्पीकर बॉक्स लगाएंगे और एक होल करेंगे इस टाइप का जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये होल करने के बाद हम ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर जो पुराने स्पीकर में लगे हुए थे वो हम ले लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीकर अच्छे कंडीशन में है और हमारा ट्रांसफार्मर और लीड ये भी अच्छे कंडीशन में है। तो हम इनको सोल्डरिंग वगैरह करेंगे। पहले हम इसमें ड्रिल मारे थे, अभी इसको हवा ब्लोअर मार लेंगे जिससे ब्लोअरिंग करने के बाद उसमें के कचड़े सब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और फिर हम इसको ट्रांसफार्मर को अंदर फिट करेंगे जिससे कि हमको एक ड्रिल करना होगा। और ड्रिल मशीन के सहारे हम एक ड्रिल कर लेंगे और हल्का सा चौड़ा ड्रिल रहेगा। ड्रिल जब तक हम कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और एक लाइक कर दें। तब तक आपको वीडियो में हम ड्रिल करके दिखा रहे हैं। तो आपको ड्रिल कर रहे हैं और जैसे ही ड्रिल हो जाएगा हम इसमें अपने एम्पलीफायर के जो प्लेट हैं, कार्ड हैं, वो हम वहाँ टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने होल को हल्का सा बड़ा कर दिया जिससे हमें स्क्रू लगाने में आसानी हो और दिखे ना, ताकि उसको खड़ा करने में प्रॉब्लम ना हो। और हम डबल साइड टेप लेंगे जो उसके अंदर चिपका देंगे जिससे हमारा ट्रांसफार्मर उसके बेस पे टिका रहे। ऊपर से स्क्रू भी लगाएंगे और ट्रांसफार्मर को हम बॉक्स में अंदर अच्छी तरह से फिट करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे आपको दिखाया गया है। और एक अच्छी स्क्रू लगा देंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे जिससे हमारा ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको स्पीकर में एक ड्रिल करना होगा पीछे से, और ड्रिल करके उसमें 4 mm का एक नट लगा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। और आप एक लाइक कर दीजिए, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हमें वीडियो बनाने में आसानी होती है। और देख सकते हैं आप कि ये सोल्डरिंग निकलने के कारण हम उसमें दोबारा सोल्डरिंग लगा रहे हैं। और ये सोल्डरिंग लगा देने के बाद हमारा एम्पलीफायर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद एम्पलीफायर का जो पोटेंशियोमीटर है वो हम टाइट कर देंगे और कार्ड को नट जो लगाया है स्क्रू
वो हम एलंकी टाइप के लगाए हैं, तो उसको भी एलंकी से टाइट कर देंगे। ट्रांसफार्मर और कार्ड दोनों एलंकी से हमारे पूल टाइट हो चुके हैं। उसके बाद हम उस ट्रांसफार्मर के 220 वोल्टेज को देने के लिए उसका वायर हम पीछे से निकाल लेंगे, जो हमने 4 mm 6 mm के ड्रिल किए थे उस रास्ते केबल को निकाल लेंगे। केबल को निकालने के बाद उसमें हम 6 ampere का मेल लगाएंगे, जिससे हमें किसी भी फीमेल टॉप में लगाने में आसानी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर फिट हो गया और स्पीकर भी लगा दिया है। इसको एक बार क्लीनिंग कर लेंगे, फ्लोर मार करके क्लीनिंग कर लेंगे, जिसके अंदर के जो रस्ट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कवर लगा देंगे, फिर उसके बाद ये आपका दिख रहा है स्पीकर फाइनल हो गया। इसमें हम मोबाइल कनेक्ट करके आपको अभी चला के दिखाएंगे, क्योंकि हमने पावर सप्लाई दे दिया है। और जब तक हम आपको ये चला के दिखाते हैं, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जैसे कि आप देख रहे हो स्पीकर बजना चालू हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सोने का स्पीकर था, जिसको हमने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बनाया। उसकी साउंड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी। आपके घर पे जो भी पुराना स्पीकर होगा, आप इसी प्रोसेस के साथ उसको बना सकते हो। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।